रहते हैं। अभी 6:15 हो रहे हैं और धूप निकल गई है, सूरज निकल गया है, तो मैं भी बना रही हूँ चाय। चाय नहीं, पेट्रोल। ये हमारा पेट्रोल है। बाहर बहुत अच्छा लग रहा है बालकनी में, बालकनी में बहुत बढ़िया लग रहा है। हल्का हल्की ठंडा ठंडा हवा तो बंद है, लेकिन कम से कम थोड़ा ठंडा सा तो है मौसम। इतनी शांति है सुबह सुबह ना। तो गाइस हर्ष आया था रात, तो इधर ही है वो रात से कल से, तो आज उसको स्कूल की छुट्टी थी, तो मैंने बोला कि चल तुम इधर ही रह जाओ, क्योंकि मैं और आदि दोनों ही हम घर में हैं। इसके पापा तो ध्यान गए हुए दो दिन से, तो हर्ष को बोला कि चल इधर ही रुक जाए, तो अभी तो सो रखे हैं दोनों। तो हमने चाय बना ली अपने के लिए, चाय पीऊँगी उसके बाद यानी कि पेट्रोल डालूँगी, और उसके बाद फिर काम पूरे दिन का काम। तो गाइस आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। चाय मेरी तैयार हो गई है, तो आप लोग भी पी लीजिए चाय। देखो उठते उठते ना मुंह धोया ना ब्रश करा, ये देखो हाल देख लो गाइस इसका, सीधा मोबाइल पे। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आज है कढ़ी परांठा और चाय, तो हम लोग रेडी हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आप लोग भी कर लीजिए। हेलो गाइस, राधे कृष्णा, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मुझे जाना है संपर्क, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना है और किस्त जमा करानी है मकान की, और उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है थोड़ा सा सामान लेने के लिए। धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन ज़रूरी है जाना। टाइम टाइम पर बिजली का बिल भरना ज़रूरी है भाई, गर्मी आए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चलती हूँ और आप लोगों को रास्ते में मिलूँगी। हेलो गाइस, मेरा सुबह सुबह ही पोपट हो गया है, तो मुझे तो आज याद भी नहीं था कि आज बैसाखी है, तो सरकारी छुट्टी होएगी, तो मैं तो संपर्क जाने वाली थी बिल भराने के लिए और किस्त भराने के लिए। तो मैंने आदि के पापा को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि आज सरकारी छुट्टी होएगी क्योंकि बैसाखी है आज। तो मेरा सुबह सुबह ही पोपट हो गया, मैं तो रेडी भी हो गई थी जाने के लिए, तो अभी जाना कैंसिल करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं जाने का, क्योंकि वो तो बंद होगा, तो धूप भी इतनी हो रही है कि जाने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है। तो अभी जाना कैंसिल करते हैं, अब मंडे को देखेंगे भराने के लिए। तो गाइस गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची लस्सी। तो कच्ची लस्सी किसे कहते हैं आपको पता है? कच्ची लस्सी बोलते हैं इसे। इसमें पहले हम पानी में चीनी मिलाते हैं, अच्छे से घोलते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं हम दूध, थोड़ा सा दूध डाल के, उसके बाद ठंडा पानी डाल के, और बन गई कच्ची लस्सी। तो ये किसी ठंडे से कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आदर्श कह रहा है कि मम्मी कच्ची लस्सी बना लीजिए, तो मैं इसके लिए कच्ची लस्सी बना रही हूँ और खाना बाद में बनाऊँगी, क्योंकि लंच बनाने का भी टाइम हो रहा है, दोपहर हो गई है। तो पहले मैं उसको कच्ची लस्सी बना के देती हूँ, आज वो घर पे ही है, उसके चाचू ने उसको छुट्टी दी है, रेस्ट दी है एक दिन की, तो कल से तो उसको जाना ही है काम अपने चाचू के साथ में। तो आज मैं उसके लिए कच्ची लस्सी बना देती हूँ, फिर मुझे बनाना है उसके लिए खाना। से बन गई है कच्ची लस्सी, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है,
गर्मियों में रोज़ तो नहीं लेकिन तीसरे चौथे दिन इसको बना के पीते रहना चाहिए। शरीर के अंदर का टेम्परेचर वह नॉर्मल सा रहता है, तो गर्मी जो सर में, जैसे सर में दर्द गर्मी से, तो इससे राहत मिलती है। हम लोगों ने तो डॉक्टरों को भी मात दे दी है। तो ये देसी उपाय है, तो ये हमने अपने माँ बाप से सीखे हैं, अपनी मम्मी से सीखे हैं, तो आगे हम बता रहे हैं बच्चों को जितना हो सकेगा, इनको अच्छे जो भी हमने अपने माँ बाप से अच्छा सब कुछ सीखा है वो इनको सिखाएंगे। तो ये कच्ची लस्सी बहुत बढ़िया चीज़ है, ये गर्मियों में दूसरे तीसरे दिन बढ़ा के पीते रहना चाहिए, इससे शरीर का टेम्परेचर सही रहता है, गर्मी नहीं होती। तो आप लोग भी इसको बना बना के पीते रहिए। तो ये लीजिए, आदर्श आ गया है। चलो जी, जाओ बैठ के पीओ, और कभी भी इसको खड़े होकर नहीं पीना, हमेशा बैठ के पीना चाहिए। जैसे हम पानी बैठ के पीते हैं वैसे ही कच्ची लस्सी को भी बैठ के पीना चाहिए। तो आप लोग भी गर्मियों में आगे जैसे नींबू पानी, नींबू नहीं है, नींबू पानी तो हम बढ़िया होता है पीने के लिए, तो जैसे अगर नींबू वगैरह नहीं है तो ऐसे आप थोड़ा सा दूध डाल के पानी में चीनी घोल के मीठी और कच्ची लस्सी बना सकते हैं। ये शरीर के लिए बहुत हेल्दी होती है। देसी टिप्स है, माँ बाप की दिया हुआ ज्ञान। तो ये लोग हम आगे बच्चों को दे रहे हैं। तो गाइस आप भी ज़रूर दूसरे तीसरे रोज़ नहीं पीना क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो कभी कभी पी लेना, जैसे तीसरे दिन पी लिया तो बढ़िया रहता है, सर में गर्मी नहीं चढ़ती, गुस्सा नहीं आता ज़्यादा, शांत रहता है दिमाग। गाइस आज हमने दोपहर में कुछ बनाया नहीं, तो चावल पड़े हुए थे, मैंने प्याज हरी मिर्ची डाल के उन्हीं का तड़का मार लिया। तो मैं और आदर्श अभी खाना खाएंगे, हम दो ही जने हैं घर में, साथ तो गया घर, और मैंने तड़का मार लिया चावलों को, और आदि को बुलाती हूँ तो हम खाएंगे अभी ये खाने में तड़के वाले चावल। तो गाइस हमारा हो गए हैं चावल तैयार, और साथ में रख लिया है मैंने गलगल का अचार, गलगल मतलब खट्टे। तो मैं और आदर्श अभी खाएंगे लंच में तड़के हुए चावल और साथ में गलगल का अचार, तो आप लोग भी खा लीजिए गाइस। देखो गाइस बादल से आ गया, शाम के 5 बज गए, और कैसे गुम सा हो रखा है एकदम, ना पत्ता हिल रहा ना हवा चल रही है, एकदम गुम हो गया। ये तो फूल खिले हैं आज बेचारे, बाकी तो चढ़ गए, ये खिले देखिए एकदम, इसे शाम के टाइम कैसे बादल से हो गए, अच्छा है बारिश हो जाएगी, तो शाम के अभी 5 बज रहे हैं। गाइस आपको 2-3 ब्लॉक में दीदी नहीं दिखाई दे रही होगी, तो मैं दीदी के पास गई हूँ 2-3 दिन से, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे, जाऊँगी, ज़रा 1-2 ज़रूरी काम है मुझे जल्दी से पहले वो करने, उसके बाद मैं जाऊँगी दीदी के घर में, तो फिर आपको दीदी भी ब्लॉग में दिखेगी। तो अभी मैं ब्लॉग डालने रोज़ जाती थी, तो अभी मैंने वाईफाई लगवा दिया घर में, तो नहीं जा पा रही, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं यहीं से ब्लॉग डाल दे रही हूँ, लेकिन मैं दीदी के पास जाऊँगी। बस 1 तो काम रुके हुए हैं, ज़रा से वो हो जाए तो बेफिक्र होकर जाऊँगी, तो आपको और ब्लॉक में वो दिखेंगी, क्योंकि कुछ ब्लॉक तो मैं वहाँ पे बनाऊँगी और कुछ ब्लॉक यहाँ पे बनाऊँगी, तो ऐसे ही हमारे ब्लॉक बनेंगे, कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो फिर ब्लॉक बनाएंगे।
देखो गाइस शाम के 7 बज गए हैं, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है। तो गाइस आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना और अपने परिवार का रखना ध्यान। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम, बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।